साथी आपका आचार्य आशीष कृष्ण आपका स्वागत करता हूँ चैनल ओम आलोकित कार्यक्रम तंत्र मंत्र मयंत्र में। हम आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, हमारे वीडियोस को पसंद किया, हमारे वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, हमारे वीडियोस को आप शेयर भी कर रहे हैं अपने मित्रों में। आपके अच्छे कमेंट्स भी हमारे पास आ रहे हैं, आपके सुझाव भी हमारे पास निरंतर आ रहे हैं। हम उन सुझावों का बहुत स्वागत करते हैं, आपके सारे कमेंट्स का हम बहुत स्वागत करते हैं, आपके जो मेल आ रहे हैं उनका भी जवाब देने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आपसे क्षमा प्रार्थी है कि थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा हमें, क्योंकि हम मेल पर जवाब आपको थोड़ा देर से दे पा रहे हैं, क्योंकि बहुत संख्या में मेल आते हैं हमारे पास और सबका एक साथ जवाब देना संभव नहीं होता है मित्रों। तो आप हमारी थोड़ी परेशानी समझें और आप इसी प्रकार का प्रेम हमारे प्रति बनाए रखें जैसे आपने हमें अभी तक दिया है। हम आपसे वादा करते हैं कि हम आपको नए नए प्रयोग बताते रहेंगे और नए नए वीडियोज बना के देते रहेंगे। अब मैं आपके लिए मित्रों लाया हूँ सिद्ध वशीकरण, बड़ा ही सिद्ध मंत्र है, वशीकरण का बड़ा सिद्ध मंत्र है ये और इसका प्रभाव बड़ा अच्छा आपको मिलेगा देखने को। आप जिस पर इसका प्रयोग करेंगे वो आपके प्रेम में बंध जाएगा, आपसे प्रेम करने लगेगा। तो देखिए आप सर्वप्रथम अपनी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है मंत्र, ओम ऐं म्रीं श्रीं क्लीं कालिके सर्वान् मम वश्यं कुरु कुरु सर्वान् कामान् मे साधय साधय स्वाहा ओम। मित्रों आपने देखा ये मंत्र आपके स्क्रीन पर था अभी, बड़ा अच्छा मंत्र है और छोटा मंत्र है, इसके आपको प्रयोग कैसे करने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सर्वप्रथम मित्रों आप इस मंत्र को जप कर सिद्ध करेंगे, सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण या दीपावली और होली की रात में, इनमें से किसी भी रात में आप सिद्ध करने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया ये ग्रहण काल में या दीपावली होली की रात में आप इसको 1,00,000 बार जप कर सिद्ध कर लें। जब ये मंत्र आपको सिद्ध हो जाएगा उसके बाद आपको कार्य ये करना है कि आपको आहुति देनी है, एक हवन करना है। इस मंत्र को सिद्ध करने के बाद उस हवन में आप आहुति देंगे हवन सामग्री की। हवन सामग्री से आप 108 आहुतियां देंगे इस मंत्र के नाम से। इस मंत्र को जपते हुए एक बार मंत्र जपा स्वाहा एक आहुति, दूसरी बार फिर स्वाहा दूसरी आहुति, इस प्रकार से आपको 108 आहुति देकर ये मंत्र पूरा सिद्ध कर लेना है। उसके बाद जब आपको ये मंत्र प्रयोग करना हो तो आप इस मंत्र का 21 बार जाप करें और 21 बार मुंह धोएं। आपने एक बार मंत्र पढ़ा फिर मुंह धोया, फिर दूसरी बार मंत्र पढ़ा फिर मुंह धोया और जहां मंत्र में सर्वान लिखा है वहां पर अपने अभीष्ट पुरुष या स्त्री जिसको आप वशीकरण में करना चाहते हैं उसका नाम उस मंत्र में लेंगे और 21 बार मुंह धोकर 21 बार ये मंत्र पढ़ेंगे, आपका कार्य सिद्ध हो गया। वो व्यक्ति जिसका आपने नाम लिया उस मंत्र में वो आपके वशीकरण में ऐसे बंध जाएगा कि वो आपसे अलग रह ही नहीं पाएगा और आपके प्रेम में बिल्कुल पागल हो जाएगा। तो आपको कैसा लगा हमारा ये प्रयोग आप हमें सूचित करिए अपने लाइक्स और कमेंट्स के द्वारा। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उन लोगों से मेरा करवद्ध निवेदन है जल्दी से हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। वह देखते रहें कार्यक्रम तंत्र मंत्र मयंत्र व कुछ अनसुनी अनकही कहानियां। इस सभा के लिए इतना ही मित्रों, अन्य सभा में आपसे फिर भेंट करेंगे।